Today we will discuss about one of the methods which is being used for the quality analysis of the milk that comes under the category of dye reduction test. You have already studied one of such methods and also performed in the practicals, that is the MBRT test, that is methylene blue reduction test. Same as that, there is another test which is being used for the analysis of the quality of the milk, that is Resazurin reduction test. So we'll see what is that test. So it is one of the another methods where the dye reduction test is taking place, same as that of the methylene blue. Now here we know ki methylene blue reduction test jo hai usme jo jitne time mein wo reduction dye ka hota hai wo hum measure karte hain, whereas yahan pe Resazurin reduction test mein ek hum fixed time pe rakhenge apne product sample ko, that is milk, और फिर उसमें जो कलर शेड और उसकी क्या इंटेंसिटी जनरेट होती है उसके ऊपर से हम हमारे मिल्क की क्वालिटी को असेस करेंगे. सो देर आर टू वेरिएशंस इन दिस आर आर टेस्ट ऑफ टेस्टिंग मिल्क. वन इज़ फॉर 10 मिनट्स, मींस जहाँ पे आपको अपना सैम्पल पूरा जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो 10 मिनट्स के लिए रखना होगा ऑफ द रॉ मिल्क, एंड देन आप उसको आफ्टर 10 मिनट्स रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हैं. दूसरा होता है द वन इज़ फॉर 1 आवर, यू विल कीप द सैम्पल्स फॉर 1 आवर इन द लैब एंड देन यू विल सी योर रिजल्ट्स. सो हियर विल सी द प्रिंसिपल हाउ द Resazurin रिडक्शन टेस्ट वर्क्स. लाइक द मिथिलीन ब्लू, वी नो कि मिथिलीन ब्लू भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन डाई है जिसमें मिथिलीन ब्लू का रिडक्शन होता है बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन स्लोली इन द सिस्टम. सो सेम यहाँ पे Resazurin जो है उसका भी रिडक्शन होगा थ्रू द सीरीज ऑफ डिफरेंट कलर्स. लाइक वो आइडली ब्लू कलर का होता है तो उसके कलर शेड्स धीरे धीरे चेंज होंगे, लाइक पर्पल टू लैवेंडर पिंक, एंड देन स्लोली इट विल गेट कन्वर्टेड टू कलरलेस. Resazurin डाई ब्लू कलर में होता है और उसका जो OR पोटेंशियल होगा इफ़ इट इज़ प्लस 0.3 वोल्ट्स देन इट विल अंडरगो द इरिवर्सिबल चेंज टू पिंक कलर. मीन्स कि उसका ओवर पोटेंशियल इफ़ इट इज़ 0.3 वोल्ट्स देन उसका कलर चेंज होता है पिंक के अंदर, एंड देन फर्दर इट विल गेटिंग रिड्यूस टू 0.2 वोल्ट्स, एंड देन अगर और फर्दर रिड्यूस होगा तो उसका जो कलर है धीरे धीरे चेंज होके वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. नाउ द डिग्री ऑफ दिस रिडक्शन ऑफ डाई विल बी मेजर्ड आफ्टर द फिक्स टाइम ऑफ इंक्यूबेशन. लाइक यहाँ पे हमें एक फिक्स इंक्यूबेशन टाइम फॉलो करना है, ईदर 10 मिनट्स और इट कैन बी 1 आवर. सो द रिडक्शन ऑफ डाई पर्टिकुलरली शेड कौन सा फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वो जो कलर फॉर्मेशन होगा वो टोटली डिपेंड करता है कि जो ऑक्सीजन कंटेंट हमारे मिल्क सैम्पल के अंदर है वो कैसे कैसे डिप्लीट हो रहा है, मीन्स कि वो कैसे कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दी माइक्रोब्स. और फिर जो कलर चेंज हमें मिलेगा उसको हम मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड Resazurin डिस्क आती है उसके साथ, या तो लॉवी बॉन्ड कलर कंपैरेटर आता है, मीन्स एक कंपैरिजन के लिए किट आएगा उसके साथ आप अपने कलर जो आपको मिला है उसे आप कंपेयर करके रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं. नाउ हाउ यू विल प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ Resazurin. आइडियली 1 टैबलेट हम Resazurin का डिजॉल्व करते हैं 50 ml कोल्ड स्टराइल ग्लास डिस्टिल वाटर में बाय जेंटली हीटिंग ताकि वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए, और ये जो सोल्यूशन होता है वो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. सो इट शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड एज फ्रेश एज पॉसिबल जब आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना. ऑल्टरनेट मेथड है कि आप उसका 0.05 ग्राम पाउडर लेके उसको 100 ml में डिजॉल्व करें एंड देन बॉइल द कंटेंट्स फॉर 30 मिनट्स, एंड देन दैट विल मेक अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन. एक आपका स्टॉक सोल्यूशन बनेगा जो आपका 0.05% होता है, जिसे आपको कूल करके डार्क प्लेस में एम्बर कलर बॉटल में स्टोर करना होगा. एंड देन जैसे जैसे आपको उसको यूज़ करना है आप उसको 1:10 में डाइल्यूट करोगे अपने स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करते हो वर्किंग में, एंड देन यू कैन यूज़ इट फॉर द प्रैक्टिकल्स. सो प्रोसीजर हियर विल बी सेम एज दैट ऑफ MBRT, कि आप एक स्क्रू कैप ट्यूब लेंगे जिसके अंदर आपका 10 ml मिल्क होगा और 1 ml आपका वर्किंग सोल्यूशन होगा Resazurin का. हमें एक स्क्रू इसलिए प्रिवेंट करना है ताकि ऑक्सीजन की एंट्री ना हो सके एक्स्ट्रा, और देन हमें उसको इन्वर्ट करके मिक्स कर लेना है मिल्क और Resazurin, एंड देन वी हैव टू प्लेस इट एट 37 डिग्री, एंड देन वी हैव टू नोट द टाइम ऑफ इंक्यूबेशन कि आप 10 मिनट्स के लिए रखना चाहते हैं या
1 hour के लिए, एंड देन एट द एंड ऑफ इंक्यूबेशन, लाइक आपका 10 मिनट्स अगर ख़त्म हो गया या आपका 1 आवर ख़त्म हो गया, तो आपको जो कलर चेंज मिला है उसको आप मैच करोगे अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, एंड देन यू विल कंक्लूड. दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ रेज़ाज़ुरिन व्हेन इट विल बी इन द स्टेबल कंडीशन, एंड देन फर्दर इट गेट्स कन्वर्टेड टू रेज़ोरूफिन जब उसका ओवर पोटेंशियल चेंज होता है 2.3 वोल्ट्स. देन दिस इज हाउ यू विल ग्रेड अप द मिल्क. Like this is, we suppose if it is blue color, then it will be excellent. If it is lilac, it is very good. Mauve, good. Pink, mauve, fair, then mauve, pink. These are the different shades. And if it is white, then it will be very bad quality. Now, what is the advantage of using this dye reduction test? Like you studied earlier also of MBRT, it is also a reduction test. And this is another method. So advantage is ki you can estimate the suitability of milk if it is good for consumption or not. Ab ye jo test hote hain wo thode cheap hote hain and they require less time as compared to the other methods. But in case of suppose SPC, that is the standard plate clump, to usme kya hota hai ki ideally clumps hote hain microbes ko, jab microbes ek sath ikattha ho jate usko hum ek single colony count karte hain, right? But yahan pe decolorizing of dye uski wajah se hota hai because of metabolic effect of इंडिविजुअल बैक्टीरियाज विच आर देयर इन द क्लम्स, राइट? मतलब एक पूरा ग्रुप है तो ग्रुप में हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर से हम ये टेस्ट को डिटर्मिन करते हैं, राइट? विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट एक्टिविटी विल बी मेजर्ड, नॉट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो इट इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट, नॉट अ क्वान्टिटेटिव. अनलाइक द आर्टिफिशियल मीडिया यूज इन SPC इन मिल्क, नेचुरल एनवायरमेंट फॉर माइक्रोब्स इज प्रेजेंट. हियर RRT द रिजल्ट विल बी मेजर्ड इन शॉर्टर ड्यूरेशन इफ यू आर परफॉर्मिंग फॉर 10 मिनट्स. And some of the bacteria, they are capable of reducing dye. So, they may not develop the colonies. Like, kuch organisms sirf reduction kar sakte honge, colonies ya plate mein nahi groonge. Toh, uske liye bhi aap ye method use kar sakte. Then, next aata hai, disadvantages are also there. Because the rate of reduction of dye will be variable, it will vary. Because ki wo totally depend karta hai ki microorganism ek particular temperature pe grow ho raha hai, oxygen wahan pe kitna hai us hisab se. सपोज कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस जैसे कि पेनिसिलिन या कोई एंटीबायोटिक अगर है तो वो ग्रोथ जो है बैक्टीरिया का वो प्रिवेंट हो जाएगा, तो वो रिडक्शन टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. देन वो सूटेबल नहीं है फॉर क्लासिफाइंग मिल्क विथ लो बैक्टीरियल काउंट्स. अगर बैक्टीरियल काउंट्स काफ़ी कम है तो ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म ही कम होंगी तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी और उसकी वजह से डाई का जो रिडक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा. देन रिडक्शन कैपेबिलिटी वेरी करेगा. क्यों? क्योंकि प्रपोर्शन जो होता है बैक्टीरिया का उसको हम कैरी आउट करते हैं फ्रॉम क्रीमी लेयर बाय राइजिंग द फैट ग्लोब्यूल्स. देन इट विल ऑल्सो नॉट गिव कि कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है, इट विल जस्ट गिव यू द क्वालिटी ऑफ मिल्क. देन टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेशन यूज ड्यूरिंग दीज टेस्ट इज नॉट ऑप्टिमम फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट. सो कितने टेम्परेचर पर हम इंक्यूबेट कर रहे हैं उस पर ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को फेवर होगा तो वो अच्छे से ग्रो होके और फिर रिजल्ट दे सके. देन नॉट सूटेबल फॉर टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ पास्चराइज मिल्क. यहाँ पे भी हम पास्चराइज मिल्क की क्वालिटी असेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर लो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे. एंड इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस अटेंशन अंटिल रिडक्शन टेक प्लेस. इसमें इस सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया और फिर आप चले गए या कुछ और काम कर रहे हो, राइट? यहाँ पे हमें कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ेगा कि एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम द कलर हैज़ चेंज. सो थैंक यू.